खबर मालधन रामनगर उत्तराखंड से। डबल इंजन की सरकार के विकास की पोल खोली मालधन क्षेत्र की जनता ने। रामनगर के ग्राम मालधन में पानी के निकास को लेकर जनता परेशान। प्रदेश सरकार और हर ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं कि स्वच्छता के लिए उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं। मालधन क्षेत्र की जनता पानी के निकास के लिए बहुत परेशान है। यहाँ पर लोगों के घरों में गंदा पानी भर रहा। गंदे पानी की वजह से यहाँ पर भयानक बीमारियाँ होने का खतरा बना हुआ है, लेकिन ग्राम प्रधान और स्थानीय प्रतिनिधि इस बात का संज्ञान नहीं ले रहे। जून जुलाई में बरसात आने वाली है, पानी के निकास कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। पूर्व में लगातार बारिश होने से मालधन नंबर 5 में कई घरों में पानी भर गया, जिससे कई घर जलमग्न हुए। छोटे छोटे बच्चे चारपाई पर भी डूबने लगे। गरीबों का पूरा राशन खराब हो गया। पानी के निकासी के लिए एक छोटी सी पुलिया को सरपंच ने तोड़ने का काम करके पानी के निकासी के और लोगों का भला किया, लेकिन कुछ राजनैतिक लोगों द्वारा उस पर आपत्ति करके कड़ी कार्रवाई करने की धमकी दी गई। सर, 2 दिन की बारिश में मेरे घर में सारा पानी घुस गया। इतना गंदा पानी इस नाली का आ रहा है, सारा मेरे अंदर गया, गोट में तक। मेरा तो 3 साल का बेटा है, तो उसको मैं कब तक रोकूं गंदे पानी से, मतलब तू मत जा। जिसमें कि 2 दिन की बारिश में यह हाल हो गया कि मेरे अंदर तक पानी चला गया। बरसात में क्या हाल होगा ये बताओ। और अभी तक कुछ नहीं निवारण निकल रखा यहाँ का। 3-4 साल से लगा ये लगा लो, ये तो काफी साल हो गए इस बात को, और कोई सुविधा नहीं है। जिसमें कि इतनी बड़ी बीमारी से तो हम लोग लड़ रहे हैं, अभी ऊपर से इतना गंदा पानी हमारे अंदर जा रहा है। अभी आपने यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं या यहाँ के जो बड़े जिस दिन यहाँ पे पुलिया टूटी थी, मैं यहाँ पे प्रधान आया था, मैंने उसको भी कहा, मैंने कहा सर अगर आप यहाँ की पुलिया बनाओगे तो यहाँ का भी करना कुछ ना कुछ निवारण। अभी जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे जो आपके वो है सरपंच है, उन्होंने जो है पानी की निकासी को लेकर यहाँ पे पुलिया को तोड़ा है। अब ऊपर से जो है उनका ऑर्डर है कि इनके ऊपर मुकदमा किया जाएगा। अब उन्होंने भी तो अच्छे के लिए तोड़ी होगी, ताकि थोड़ा बहुत तो राहत मिल जाए करके। ठीक है, एक मिनट पॉज कर लो। ये पानी और वो पानी, दोनों नाली का पानी एक साथ आ रहा, सो सीधा तो हमारे अंदर आ रहा ना। सबसे पहली बात तो मेरा घर है ना वहाँ पे रोड में, मेरी तो बाउंड्री भी नहीं है कि बाउंड्री है तो बाउंड्री की वजह से पानी रुक जाएगा। पानी बंद होने से लगभग कितने घरों को जो है ये परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत लोगों को करना, कम से कम 50-60 घर तो होंगे होंगे। देखिए, ये जो है कि ग्राम पंचायत की सड़क थी, और जब पीछे 2 दिन बारिश हुई तो बारिश में जो लोगों के घरों में पानी भरा, और जो यहाँ के वार्ड मेंबर है जितेंद्र चंकी, उन्होंने उनके साथियों ने ये सोचा कि शायद इस पुलिया को हटाने से, इस पुलिया को तोड़ने से पानी की निकासी हो जाएगी। थोड़ा बहुत हुई भी, लेकिन उसके बाद मैंने सुना कि इनके ऊपर चौकी में कार्रवाई करने की धमकी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई। उसके बाद जो है SDM के पास मैं गया, मैंने पटवारी से बातचीत की, तो ये धमकी दी जा रही कांग्रेस के लोगों द्वारा कि अगर ये पुलिया बन गई सरकार के पैसों से तो हम जो है इस पे ITI लगाएंगे, जिसको जो है चंकी पर्सनल बनाए। तो आज इसीलिए हम लोग आए थे, आम आदमी पार्टी के साथी लोग, कि अगर हमारा साथी कोई परेशानी में, अगर कोई परेशानी आएगी तो सरकार से पहले तो उसको बनवाएंगे, और अच्छा नाला बनवाएंगे जो हर किसी के लिए सुविधा हो, आगे से पानी ना भरे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग मिल करके पैसे आपस में इकट्ठे करके, जिसमें मैं भी शामिल होंगे, हम लोग तब भी इस काम को करेंगे, क्योंकि लोगों के लिए आवागमन के लिए भी चाहिए और पानी की निकासी भी चाहिए। खबर भारतवर्ष के लिए मालधन रामनगर उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।